नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने कढ़ाई की तरफ। ये हमारी कढ़ाई है। ओके, ये हमने इस तरीके से ना इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लबाबदार करना है। सालन सही से ना जाए ना, उसका टेस्ट नहीं आएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी अलग शुक्र ठीक ठाक हैं और लौट आए हैं अनदर रिव्यू वीडियो के साथ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो गाइस, टाइम वेस्ट के बगैर मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देती हूँ। और यहाँ की लोकेशन जो है ना, ये शादी टाउन रोड पे है, ठीक है, और सनोबर टावर के बिल्कुल बराबर में, कैफे सरूर के नाम से, और बिल्कुल सनोबर टावर के साथ है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम फेमस जगहों पे तो जाते ही जाते हैं, लेकिन जब कोई न्यू एरिया में, टाउन में कोई आप हम मुझे कोई उड़ती उड़ती सी खबर मिल जाए, वो कुछ नज़र आ जाए कि कुछ न्यू ओपनिंग हुई है, तो मैं वहाँ पे जाने से चुकती नहीं हूँ। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि नई जगहें होती हैं और नए नए पकवान होते हैं, नए नए टेस्ट होते हैं, और अक्सर लोगों को पता नहीं होता, तो मैं वहाँ पे जाके रिस्क लेती हूँ, खाने को ट्राई करती हूँ और रिव्यू आप तक पहुँचाती हूँ। टाइम वेस्ट के बगैर फटाफट से अंदर चलते हैं, देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है, फूड ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और रिव्यू आप तक पहुँचाते हैं। आ जाओ दोस्तों। तो गाइस, मेन्यू इज़ हेयर और काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, क्योंकि न्यू रेस्टोरेंट है, न्यू ओपनिंग है, तो खुद से सारी चीज़ें खुद ही ट्राई करनी होगी। पराठे हैं तो उनकी कोई बहुत लंबी कोई लिस्ट है। लच्छा पराठा, थर्टी वन तो सिर्फ पराठे ही हैं इनके। फ्राइज अलग हैं, पास्ता अलग हैं, रोल अलग हैं, रोस्ट हैं, सैंडविचेस हैं, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, नान, रायता, कोल्ड ड्रिंक, शॉर्मा, सूप, जूसेस, चाय, शीशा। बहुत से जो है ना वो शीशा लवर होते हैं, तो भाई जिसको शीशा लवर है ना वो यहाँ पे आ जाओ। तो अभी टाइम वेस्ट के बगैर फटाफट से इनके जो है ना अभी स्टार्टिंग में भी जो भी रनिंग है ना वो फूड मंगाते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग तक पहुँचाते हैं, ठीक है? तो गाइज, आप देख सकते हैं कितना कुछ हमने जो है ना मंगा लिया है, क्योंकि जो है ना ये सारे ये कहना है कि चलने में है, आजकल बहुत चल रहे हैं इनके यहाँ पे। ये जो है ना कुछ इनका है मसाला ब्रोस, ये है इनका टिक्का, और ये इनका पिज्जा पराठा, और ये है इनकी अफगानी बोटी, ये इनका क्लब सैंडविच है, कढ़ाई। ओ भाई साहब, जबरदस्त किस्म की इनकी प्रेजेंटेशन हो रही है, बहुत ही प्यारी कोई अच्छी सी कढ़ाई लग रही है। बाकी जो है ना वो खाने के बाद पता लगेगा ये एक्चुअली में है कैसा, ठीक है? इस तरह की कुछ क्लब सैंडविच की जो है ना प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ्राइज, ये जो हमारे लोकल फ्राइज है ना, हर दफा में जहाँ मुझे लोकल फ्राइज मिल जाते हैं मैं इसकी तारीफ जरूर करती हूँ। इसका जो मजा है ना, क्या कहने, क्लब सैंडविच की एक बेस्ट थिंग आपको बताऊँ, एक तो ये क्रिस्पी है, दूसरा ये मीठा नहीं है। यार दोस्तों, आप लोगों को क्या हो गया, बहुत से ऐसे लोग जो आजकल बहुत मीठे मीठे टाइप के रेस्टोरेंट बना, सैंडविचेस वगैरह, रोल वगैरह, बर्गर वगैरह, पिज्ज़ा फ्राइज वगैरह बनाने लगे, तो उनके लिए यार इल्तिजा है, प्लीज़ मीठा खाना छोड़ दो, मीठा डालना छोड़ दो। ये भी तो क्लब सैंडविच है, इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मिठास नहीं है। मज़ा आ गया, मज़ेदार। मसाला ब्रोस जो है ना वो कुछ इस तरह का लुक है, इसको खा के देखते हैं, लग तो काफ़ी क्रिस्पी रहा है, बाकी खा के पता लगेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो ब्रोस है ना, ये तो लगे होममेड ब्रोस है, बिल्कुल प्रॉपर। घर में जो हमारी मदर्स वगैरह बनाती है ना, इस तरह का चिकन जो है ना वो अंदर टेंडर है, ठीक है, और मतलब कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है, स्पाइसी इस तरह का नहीं है, देसी टाइप का लग रहा है, घर टाइप का एक होता है ना, अगर बच्चे खाए ना तो उनके लिए बेस्ट है। अब हम आते हैं टिक्की की तरफ। टिक्के को ना यार मैं इससे ट्राई करूंगी, ये जब बन रहा था ना, जब भी मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मैंने कहा नहीं ये तो मैं जरूर ट्राई करूँ। ये हमने तोड़ा ही है, ये हमने तोड़ी अपनी चिकन, और इसको हमने जो है ना तरह से ये जो लबाबदार कर दिया है ना, अब ये जाने वाला है मेरे मुंह में। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, जबरदस्त रायता चटनी,
कमाल है, बिल्कुल कमाल। टिक्का भी इवन, इतनी सारी चीजें मंगाने का मकसद ये है कि जिसको जो खाना है तो यहाँ पे आके खा सके, और रिव्यू उसके पास होगा तो उसको जो है डिसाइड करने में जो है वो परेशानी नहीं होगी। क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने कढ़ाई की तरफ। ये हमारी कढ़ाई है। ओके, ये हमने इस तरीके से ना इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लबाबदार करना है। सालन सही से ना जाए ना उसका टेस्ट नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में ये आ जाए ना समझ जाए कि वहाँ जो है ना मतलब खाना जो है ना वो जबरदस्त है। कढ़ाई छक्का से बिल्कुल जबरदस्त, मजा आ गया। वन वन बाइट आता ही आता है। और ये जो इनका गार्लिक नान है ना गाइस, लिटरली इट्स ऑसम, बहुत मजेदार, मजा आ गया। लास्ट रहता है हमारा मलाई बूटी। मलाई बूटी को भी हम इसी से ट्राई करेंगे क्योंकि इसका जो सारा मजा है ना गाइस, इसका सब गरम गरम है। ये जो है ना ये सब चीजें जो है आप यहाँ पे आए और यहीं पे आके खाएं। अच्छा, मलाई बूटी इस तरह का है, कुछ टेंडर लग रहा है काफी। ठीक है, मलाई बूटी जैसे होती वैसे है, लेकिन कढ़ाई जो है ना अभी भी बनेगी धमाकेदार है। टिक्का मैंने आपको बताया कि बहुत ही जबरदस्त ब्रोस्ट, थोड़ा मतलब है ना देसी स्टाइल टाइप उस तरह के ब्रोस्ट। तो गाइस मैंने आपको जो है ना वो रिव्यू दे दिया। मैं आपको बता दूं वैसे तो सारी चीजें अपनी जगह बहुत अच्छी है, ठीक है, सबका अपना अपना टेस्ट है, ठीक है, लेकिन आज की जो विनर है ना, विनर गोज टू ये कढ़ाई। इसका ना कोई रद्दो बदल नहीं है यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त, मतलब ये आगे मन कर रहे आप आए यहाँ पे और आराम से आप खा सकते हैं। जो गार्लिक नान है ना इसमें मैंने हाथ रोका है अभी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें। अच्छा, बच्चों को अगर आप लाते हैं तो बच्चों के लिए गोश्त जो है ना यहाँ का वो बहुत ज़बरदस्त, चिकन काफ़ी टेंडर हुई हुई, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त गोश्त है, ठीक है। बाकी मैंने सैंडविच को भी आपको बताया, सैंडविच मतलब थोड़ा सिंपल टाइप का है, लेकिन सबसे अच्छी और मेन चीज़ क्या है कि मीठा नहीं है। फ्लाई बूटी जैसे होती है वो वैसी थी, ठीक है। पिज़्ज़ा पराठा में बेस्ट थिंग ये थी कि पराठा जो है ना इसका थिन था, मोटा मतलब मैदा नहीं था। सो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।